मतलब महिलाएं कितने कितने लोगों का अतिक्रमण टोला? दो का। अच्छा अच्छा, आपको पट्टा नहीं कर रखा है पहले से हैं? तो आप नहीं सुने हमने। अच्छा, नुकसान कर दिए बेचारे गरीब वाले दिखता है, बस पूरे कचरे पे स्टे अलग से। अच्छा, छोटे खाना बना के नीट कच्चा बनाया था, अभी भी इसका सामान रोड पे पड़ा है। ये भी नहीं कह रहे कि हमें वही चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बता दिया कि कोई आपको हुआ था, लेकिन बस यही है कि आपको हुआ तो इस जगह के लिए था, आप इस जगह बैठे हो, ऐसा कुछ मामला है? कोई बात नहीं, मैं पूरे मामले की तहकीकात करा लेता हूँ। आप इन कागजों के साथ में ऊपर एक अपना प्रार्थना पत्र बना करके और आप ये प्रस्तुत कर देना, ठीक है? तो मैं पूरे मामले की तहकीकात करा लूंगा और आपको जो भी आपका वाजिब बात है वो हम निश्चित रूप से देखें, ठीक है? जो भी है इन कागजों के साथ में अपनी एप्लीकेशन लगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, देखते देखते। कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंची ये महिला है। अब बात करेंगे, कांग्रेस के युवा नेता है बाड़मेर के आजाद सिंह राठौड़ है, इनके नेतृत्व में आज इनको कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है, तो बात करेंगे आजाद सिंह राठौड़ से, क्या कहते हैं वो आजाद सिंह राठौड़। पर नगर परिषद ने दो परिवारों को अतिक्रमण मानते हुए वहाँ से विदित किया। इस पूरे प्रकरण में ये है कि जब ये टाउनशिप योजना जब बनाई गई थी उस समय इनको मुआवजे के स्वरूप, क्योंकि ये पहले समय काबिज थे, उस समय की जो वार्ता हुई थी उस समय के हिसाब से सुधीर कुमार साहब के कलेक्टर थे, तो उस समय जब वार्ता हुई थी तो इनको कुछ पट्टे जारी किए गए, इन्हें कहा गया था कि भाई आप यहाँ से हट के आपको एक दूसरी जगह है जहाँ पर हम लोग बैठाएँगे बताएँगे, और उसके लिए पट्टा भी जारी किया गया था। उसके बाद में एक लंबे समय तक इन्होंने इनको किसी ने वहाँ कब्जा नहीं दिया और पट्टा इनके पास है और किसी ने इनको वहाँ काबिज नहीं कराया। कल अचानक से जो एक कार्रवाई हुई नगर परिषद में, हमारा ही बोर्ड है पर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गलती इसमें रही है और ये हमसे गलती हुई है, और मैं ये मानता हूँ और सोचता हूँ कि नगर परिषद को इस गलती को सुधारना चाहिए। नगर परिषद हमारा बोर्ड है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी सारी योजनाएं कर रहा है, पर कभी कभी कहीं ना कहीं गलती होती है और ये गलती इनसे हुई है सर, और ये अन्याय हुआ है और इनको वाजिब जो इनका हक है वो मिलना चाहिए। इनको इनकी जगह ज़मीन जो कि पट्टे में लिखित है, जो पट्टा नगर परिषद से जारी हुआ है उस पट्टे के तहत इनको ज़मीन दे दी जाए और गाँव में बिठाया जाए, तो साथ ही साथ कल अगर इनके साथ कोई तोड़फोड़ हुई, इनका नुकसान हुआ है, तो उसका मुआवजा भी दिया। सर सरकार आपकी है, आपकी है, संबंधित मंत्री जी से भी कार्यालय में भी अभी ये सूचना पहुँचाई है, क्योंकि अभी आपको भी मालूम है कि सब तरह की व्यवस्थता है, तो अभी एक दो दिन में वहाँ से कोई ना कोई रेस्पॉन्ड आएगा, बट तब तक चूँकि नगर परिषद में हमारा ही बोर्ड है और अगर हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है, सही को सही और गलत को गलत कहना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो वंचित है, जो जो पीड़ित है उसको राहत मिलनी चाहिए, और खासतौर पर जो कोरोना काल में अभी लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, लोगों के सामने रहने का संकट है, उस समय इस तरह की किसी कार्रवाई से बचना चाहिए। सर इस ऐसा भी इस बात सामने है कि ज़मीन पूरे स्टे है, इस बारे में क्या बात हुई आपकी? वह भी जितनी सूचना आपके पास है वैसी सूचना मेरे पास भी आई है, अभी वो संबंधित वो कागज अभी मैंने मंगवाए वो भी देख रहा हूँ, पर उससे पहले ये तो तय है कि इनके पास पट्टा है, पट्टा जारी किया गया है और इनको उस पट्टे के तहत जहाँ पर भी इनकी ज़मीन है वहाँ काबिज कर दिया जाए, वहाँ इनको बैठाया जाए और वहाँ इनको मकान बनाने छूट दी जाए। अभी आपने परिजनों के साथ जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला और क्या बात रखी उनके साथ? कलेक्टर साहब ने ये बिल्कुल कहा है कि वो SDM साहब को इसकी जाँच देंगे और वो जाँच इस बारे में जाँच करवा के और इनको बिल्कुल राहत देंगे। हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का ये पहला ध्येय है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको हम लोग पूरी राहत पहुँचाएँ, उसको उसके सम्मान का ध्यान रखें, उसका आत्मसम्मान का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर इस परिवार को हमारी इस पार्टी के शासनकाल में न्याय मिलेगा ही मिलेगा। सर अंतिम सवाल है कि नगर परिषद क्षेत्र में और भी कई जगह अतिक्रमण किए हुए, तो क्या नगर परिषद से आप बात करेंगे उसी प्रकार के कार्यवाही की? मैं अतिक्रमण के खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नगर पालिका की या नगर परिषद की कोई ज़मीन है तो उस पर अतिक्रमण कर लिया जाए, अतिक्रमण गलत है। पर अगर किसी को अतिक्रमण माना जा रहा है जबकि वो अतिक्रमण नहीं है, या फिर उस व्यक्ति
खुद नगर परिषद से ही नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पट्टा जो जारी किया गया है उस मुआवजे के तहत वहाँ उसे बैठाया जाए, तो ये उसके साथ अन्याय है। तो हर अतिक्रमण जो है वो उसको आप इससे इस केस से डिफेंड नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। हाँ, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। एक बात ठीक है, नगर परिषद के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने बताया जहाँ पर पट्टों वालों को नहीं हटाया, ऐसा नहीं है।